बहादुरगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून के पक्ष में पूरा माहौल बन गया है। पहले दीपेंद्र हुड्डा ने राजेंद्र जून के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई गांवों में जनसभा करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा कल कानौंदा गांव आएंगे और लोगों से राजेंद्र जून को जिताने की अपील करेंगे। लोगों का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा होंगे। ऐसे में बहादुरगढ़ से सरकार का हिस्सा बनने के लिए राजेंद्र जून का विधायक बनाया जाएगा। राजेंद्र जून को भी गांव में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। बामडोली गांव में राजेंद्र जून का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। चौपाल में भी सभी गांव वालों ने खुलकर राजेंद्र जून का स्वागत किया और साथ देने की बात भी कही। राजेंद्र जून ने भी कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बन रही है, जिसके बाद हल्के में जोरदार विकास करवाया जाएगा जो बीजेपी के राज में बंद हो गया है। राजेंद्र जून ने भूपेंद्र हुड्डा की जनसभा में शामिल होने के लिए लोगों को न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री जो है ना, कल 2 बजे कानौंदा हमारे वहां पर स्कूल के अंदर बॉयज स्कूल के अंदर हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, उसके बाद कानौंदा जाएंगे, कानौंदा में अपने विचार रखेंगे और उसके बाद लडरावन जाएंगे, लडरावन के बाद कुलासी जाएंगे, कुलासी के बाद नीलोठी जाएंगे, नीलोठी के बाद जसोर खीरी जाएंगे। मैं अपने भादौर की जनता से, भादौर के ये 5-6 गांव हैं जो लगते हैं, 7-8 गांव जो लगते हैं, इनसे मैं अपील करता हूं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की विचार सुने। और एक बार फिर अपील करता हूँ कि जो आस पास के गाँव हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुँच के उनका जो है ना विचार सुने और उनको जो है ना